दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं आपके कमेंट्स को पिक करता हूं और उससे रिलेटेड अपनी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट करता हूं। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि काफी कमेंट्स आपके इससे रिलेटेड आ रहे थे, सर ट्रांसफॉर्मर पर वीडियो बनाओ, सर ट्रांसफॉर्मर पर वीडियो चाहिए। तो आज की इस कम्प्लीट वीडियो में हम डिटेल में देख लेंगे कि कैसे कोई ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। हम सभी को ये तो पता ही है, या तो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है या वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, बट कैसे इनपुट इलेक्ट्रिकल सर्किट से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है आउटपुट इलेक्ट्रिकल तक, और आउटपुट सर्किट से हम अपने लोड को चलाते हैं, कैसे जो है हमारा ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है कंप्लीट डिटेल में आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। तो गाइस, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रांसफॉर्मर का, वो होता है उसका कोर। अभी जो कोर होता है गाइस, ये सॉलिड मटेरियल का आपको देखने को मिलेगा, बट ये सॉलिड नहीं होता। नंबर ऑफ स्टैम्पिंग्स मिलाकर, मीन्स एक पतली पतली थिन लेयर में जो है स्टैम्पिंग्स होती हैं, अगर इनको हम एक बाय एक के साथ कनेक्ट करते जाएं तो हमें जो है सॉलिड मटेरियल, एक सॉलिड कोर हमें देखने को मिलती है। अभी जो कोर होती है गाइस, इसी के ऊपर हम करते हैं वाइंडिंग। इंसुलेटेड कॉपर की वायर्स आती हैं, इन कॉपर वायर्स के थ्रू ही हम ट्रांसफॉर्मर पर वाइंडिंग करते हैं। ये जो कोर है गाइस, इसी के ऊपर जो है हम प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, इसी के ऊपर हम अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। अगर इस कॉपर वायर को अगर मैंने इसके ऊपर राउंड 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 प्राइमरी लिम में लपेट दिया तो ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, अगर मैंने इसी कॉपर वायर को सेकेंडरी लिम में लपेट दिया तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी साइड गाइज हम अपना कनेक्ट करते हैं अपने इनपुट वोल्टेज को, जिसे हमें या तो स्टेप अप करना है या हमें इसे जिसे स्टेप डाउन करना है या हमें कहीं पर वो वोल्टेज यूज में लेनी है। सेकेंडरी साइड गाइज हम कनेक्ट करते हैं अपने लोड को, जहाँ पर हमें जो वोल्टेज है या तो स्टेप होकर मिल रही होगी या स्टेप डाउन होकर मिल रही होगी। तो ये तो एक बेसिक हो गया हमारा कि ट्रांसफॉर्मर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होती है। अब ट्रांसफॉर्मर को गाइज डिटेल में डिस्कस करने से पहले आपको एक टॉपिक पता होना चाहिए, अगर वो आपको पता है तो विद इन अ सेकंड्स में जो आपका ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग है वो आप समझ जाएंगे। तो गाइस, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आप ट्रांसफॉर्मर के अंदर कह सकते हो वो होता है आपका फैराडेज लॉ। अब फैराडेज लॉ क्या होता है, कैसे वर्क करता है? तो गाइस, यहां पर एक कॉइल है, कॉइल आप सभी जानते हैं कि मैंने एक वायर को राउंड 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 कर दिया है, और एक यहां पर आपकी मैग्नेट है। अब गाइस, जो भी मैग्नेट्स होती हैं इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको, एक चुंबक लीजिए आप और एक आपका कॉइन लीजिए। अब इस कॉइन को जब तक आप या इस मैग्नेट को आप मूव कराएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि जो आपका कॉइन है वो ऑटोमेटिक इसकी तरफ आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेट की एक पर्टिकुलर रेंज है, एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चीज आती है तो वो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। अब हमने करा क्या कि इस मैग्नेट को लिया और इस कॉइल के अंदर रोटेशन में लेके आना स्टार्ट कर दिया, मीन्स इसको एक बार मैंने इन करा, एक बार मैंने आउट करा, और इस प्रोसेस को मैंने काफी जल्दी जल्दी करा, जिसकी वजह से होगा क्या, अकॉर्डिंग टू फैराडे, जब भी फ्लक्स कॉइल के साथ चेंज होता है, जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस कॉइल्स के साथ चेंज होंगी तो हमें इसके दोनों टर्मिनल पर एक वोल्टेज देखने को मिलेगा। अब ये जो वोल्टेज होता है यही गाइस हमारा फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी स्टैंड फॉर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब जब फ्लक्स चेंज करेगा कॉइल के साथ, जब जब एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये कहा था हमारे फैराडे ने। सेकंड गाइस, यहाँ पर एक और केस बनता है कि अगर हम अपनी कॉइल को एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दें, एक एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दें, तो जब भी इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड कॉइल बनाएगी। तो गाइस, ये एक दो लॉ होते हैं जो कि हमारे ट्रांसफॉर्मर पर भी लगते हैं, जो कि कहलाते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग, के ट्रांसफॉर्मर जो है वो कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये फिगर दिख रही है, इसमें मैंने क्या करा है कि कोर के ऊपर एक प्राइमरी साइड कनेक्ट करी है, एक सेकेंडरी साइड कनेक्ट करी है, सेकेंडरी साइड आपका लोड है, प्राइमरी साइड आपकी इनपुट वोल्टेज है। अब हुआ क्या कि जब भी हमने प्राइमरी साइड एक वोल्टेज कनेक्ट करा तो हमें पता है कि जब भी हम किसी चीज को बैटरी से कनेक्ट करते हैं या कहीं पर वोल्टेज देते हैं तो वहां पर एक करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये इस वाइंडिंग पे हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करा, एसी वोल्टेज सोर्स, तो एसी करंट हमारी इस वाइंडिंग के अंदर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम करेंगे तो प्राइमरी साइड में करंट कम होगा। सो अकॉर्डिंग टू फैराडे, जब भी हम कॉइल के ऊपर कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं और उसके अंदर करंट फ्लो होता है तो एक ईएमएफ जो है, एक फ्लक्स जो है वहां पर इंड्यूस होता है, तो हमारी जो कॉइल है उसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनना स्टार्ट होगा। अभी जो फ्लक्स है गाइस, ये लिंक करेगा हमारे कोर के साथ। अब जब ये फ्लक्स पूरा कोर के साथ लिंक करेगा तो यहां पर जो है फैराडे का लॉ लगने लगेगा, E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। अभी जो पूरा फ्लक्स है ये सेकेंडरी के साथ लिंक करेगा ड्यू टू कोर, क्योंकि कोर के अंदर ये फ्लक्स जा रहा है। अब जब भी फ्लक्स कॉइल के साथ चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस ऑफ फैराडेज लॉ, व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, तो यहां पर जो है फर्स्ट केस जो था ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी साइड में वो लगेगा, क्योंकि प्राइमरी साइड का जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है, जिसकी वजह से वहां पर एक ई टू जो है ईएमएफ जो है वो उस कॉइल के ऊपर आ जाएगी अकॉर्डिंग टू फैराडे। और जब भी कॉइल के ऊपर एक ईएमएफ आएगी वो उसकी वजह से होगा क्या कि हमारी जो सेकेंडरी साइड है उधर एक हमें करंट का फ्लो देखने को मिलेगा, और अगर करंट का फ्लो हमें सेकेंडरी साइड देखने को मिल रहा है तो हमें वहां पर जो है वोल्टेज भी
देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह से जो है आपका ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। प्राइमरी साइड में हम इनपुट देते हैं और जो सेकेंडरी साइड में हमें आउटपुट मिलता है, कोर के थ्रू जो है आपका फ्लक्स लिंक करवाता है प्राइमरी टू सेकेंडरी साइड। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारे एक ट्रांसफॉर्मर की, कि बेसिक ट्रांसफॉर्मर कैसे वर्क करता है। अगर हम बात करें स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होते हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, अगर गाइस नंबर ऑफ टर्न्स आपने प्राइमरी साइड में ज्यादा रखे हैं, सेकेंडरी साइड में आपने कम रखे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज हमें लो मिलेगा, जिसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं। अगर आपने प्राइमरी साइड में जो है नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे हैं और सेकेंडरी साइड में ज्यादा रखे हैं, तो आपको वोल्टेज जो है वो ज्यादा मिलेगा सेकेंडरी साइड में, जिसकी वजह से हम इसे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं। तो गाइस ये था एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड डाउट्स है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है पिक करूंगा। मिलते हैं कल का इस एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।